आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं बोलना। मेरा दूसरी बस है। क्यों बोलना लग रहा है फिर तुम? प्रणो बोला कर, या तो काउंटर लगने के बाद लड़कियों को चढ़ाया जाए या फिर पहले सभी लड़कियों को चढ़ाया जाए। कितने बिठाओ, पहले तो दो लड़कियों के नाइन मारा के मार दा, पहला नहीं बिठा सकते हम, मारा बसाया रोला बिठा रहा है, रोला जे बसाएगा। लगभग होता ही रहता है, ऐसे ही रहता है प्राइवेट बसों में। अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो, और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोने। प्राइवेट बसों की मनमानी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और किस कदर बढ़ रही है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दो महिला यात्री बेहद ज्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि इनका आरोप है, एक बार चाहूंगी कैमरामैन इनके ऊपर फोकस करके दिखाए कि दो यात्री जो है महिला यात्री काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि इनका आरोप है कि प्राइवेट बस चालक अपने चहेतों को ऊपर चढ़ा लेते हैं, लेकिन ये लड़कियां लगभग जो है दो घंटे से यहाँ पर खड़ी है लेकिन इनको बस के अंदर नहीं चढ़ाया जा रहा है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए कहाँ पे आपको जाना था और आपके साथ क्या जो है प्राइवेट बस वाले कर रहे हैं? मैं लेके जाऊंगी, कुछ नहीं बोलना। नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं बोलना? पहले आप इनको चढ़ाते नहीं है, उसके बाद मैं हमारी बस में जाऊंगी, ठीक है? आपकी बस में जाते पहले आप चढ़ाते नहीं है, उसके बाद जब ये कंप्लेंट करती है। एक बार है ना, हमारी भी सुन लोगे, एक बार पछली पछली सीट देख लो कितनी सवारी है, आ जाओ। भाई हम यही कहना चाहूँगा कि अगर या तो काउंटर लगने के बाद लड़कियों को चढ़ाया जाए या फिर पहले सभी लड़कियों को चढ़ाया जाए। अब दो लड़कियों को चढ़ाया गया है, दो लड़कियां पहले चढ़ी हुई है यहाँ पे काउंटर पे, या तो सभी को काउंटर पे आने पे बाद में चढ़ाया जाए, पहले दो को चढ़ा दियो। आप ऐसे कैसे बोला चढ़ाते तो आपके 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 सामने भी ऐसा हुआ कि इनके जानकार जो दो लड़कियां थी उनको चढ़ा लिया और आपको छोड़ दिया? इतने समय से आप यहाँ इंतजार कर रही थी? यहाँ पे 5-7 मिनट है, लेकिन हमने पहली बस अभी यही आई है और इसी में यही हुआ है। अच्छा, क्या रोजाना ऐसा होता है, पहली बार ऐसा हुआ है? लगभग होता ही रहता है, ऐसे ही रहता है प्राइवेट बसों में। बाद में बिठाओ, कितने बिठाओ, पहले तो दो लड़कियों के नाइन मारा के मार दा, पहला नहीं बिठा सकते हम, मारा बसाया रोला रोला जे बसाया। हमने यदि हमने कहे नहीं, हम कौन कहेंगे, क्योंकि काउंटर के लगने के बाद किसी ने बिठाओ। हाँ, मुझे ये बताइए कि अक्सर ऐसा होता रहता है यहाँ बस स्टैंड पर? हाँ, काफी बार हमारे पास ऐसी शिकायतें आती रहती हैं और उनको निपटारा करते हैं हम। तो ये प्राइवेट बस चालक कैसे अपनी मनमानी करते हैं? नहीं, मनमानी तो हम इनको धमकाते हैं। मेरा दूसरी बस है। क्यों बोलना लग रहा है फिर तुम? प्रणो बोला, प्रणो आपकी बात नहीं कर रहे हैं, देखिए आपका नाम लेकर के नहीं बोला है, आपकी बात नहीं है, प्राइवेट बस चालक सिर्फ आप नहीं है, बताइए। ऐसे है मैडम, यहाँ से हम कई बार करते हैं तो हम इनको समझाते हैं, मान जाते हैं, और लड़कियों को कह रखा है बेटा हमारे पास आ जाओ, यदि आपको कोई समस्या है तो हम हल करेंगे, पर ये जैसे आप हमारे पास आ जाए हैं तो हम इनकी प्रॉब्लम हल करेंगे। वो कोई इनको हमने काफ़ी बार बता रखा है बेटा यदि हम मान लो नहीं मानते टिकट लेके आ जाओ, हम पैसे दे देंगे आपके और हम हल करेंगे आपका, हम जिम्मेवार हैं आपके। आप ये बताइए और कैसी कैसी परेशानी आपको प्राइवेट बसों में आती है? परेशानी को नहीं, हमने एक साथ ही करती है ना कि लड़कियों को दो को पहले चढ़ाया जाए और बाद में सभी लड़कियों को चढ़ाया जाए। आपको कैसे पता कि जो दो लड़कियों को चढ़ाया गया था वो इनकी जानकार थी? क्योंकि वो दो लड़कियां पहले गई हुई थी और खिड़की बंद थी और उन्होंने खुद ने बोला है कि हमारे जान पहचान के हमें नौकरी करनी है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पीछे की तरफ सीट नहीं है इसलिए आप लोगों को चढ़ाया नहीं जा रहा, क्या सीट सही में नहीं थी? पीछे सीट थी लेकिन बैठे थे पहले दो ही बैठे थे और वो भी उनके जान के थे। बस आपको कहाँ जाना है? हमें बैबलपुर बड्डो पट्टी। अच्छा, ये बस कितने समय से आप इंतजार कर रहे हैं इस बस का? लगी तो अभी है काउंटर पे मैम। अच्छा, हाँ। और रोजाना आपके साथ आप इसी बस के अंदर जाती है? लगभग इसी बस में जाते हैं लेकिन ये चढ़ा लेते हैं, लेकिन कई बार ना इंसाफी होती है कि दो लड़कियों को पहले चढ़ाया जाता है और बाद में हमें चढ़ाया जाता है।
तो सिर्फ ये लड़कियों के साथ ही होता है या फिर कोई भी जानकार उन सबके साथ ही ऐसा होता है? नहीं, एक आधी लड़कियों को चढ़ा लेते हैं पहले भी, लेकिन बाद में ये बोलते हैं कि बाद में आप काउंटर पे लगने के बाद चढ़ना, लेकिन लड़कियां पहले बैठी होती है इसी बस में, दो तीन लड़कियां। टिकट आपकी बाद में कटती है अंदर जाने के बाद? यस मैम। वो अंदर बैठी लड़कियां आपको लेकर के चलते हैं बस के अंदर, और जो कंडक्टर यहाँ पर है, बस चालक यहाँ पर है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। एक बार बताइए किस कंडक्टर ने आपको नहीं चढ़ाया, उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बस के अंदर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और ये देख सकते हैं आप, बस के अंदर अभी जो है इनको चढ़ाया नहीं जा रहा था, क्योंकि इनका कहना है कि पहले जी बैठे। अच्छा, तो आपका आपको रोका किसने था बस में चढ़ने से? उनको छोड़िए, आपको रोका किसने था? कंडक्टर। कंडक्टर जो है इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। एक बार साइड हुई है आप। आज के जमाने में भाई साहब साइड हुई है, एक सेकेंड साइड भैया जी, आपकी बस के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि जो जानकार है उनको बिठा लेते हैं, जो जानकार नहीं है उनको नहीं बिठाते हैं। मैडम पाछे बैठे हैं कंडक्टर, मेरा तो काम है चलाना। अच्छा, कंडक्टर कहाँ है? कंडक्टर से एक बार मिलवा दीजिए, कंडक्टर कहाँ है? पता नहीं कहाँ कंडक्टर, मेरा काम है चलाना का। तो आपको ये नहीं पता आपकी बस के अंदर कंडक्टर कौन है? अच्छा, बिग जा के नीचे बैठे हैं कंडक्टर, पूछ ले कौन है। तो आप भी तो बता सकते हैं कि कौन कंडक्टर है? जो गलत होता है आप लोग देख सकते हैं, जो गलत होता है वही छिपने की कोशिश करते हैं। कंडक्टर 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 कौन है भैया बस में? कंडक्टर कौन है? अच्छा, नीचे नीचे की तरफ कंडक्टर है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए किस तरीके से अपनी चीज़ों को छुपाते हुए यहाँ बस कंडक्टर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर का कहना है कि ड्राइवर जो है कंडक्टर कौन सा है? कंडक्टर आप बता सकते हैं मुझे कौन जिसने आपको रोका था? अभी वो इसी सामने है, नहीं थे वो अभी थे। तो ये देखिए कैसे जो है बस कंडक्टर यहाँ पर गायब हो चुके हैं, जबकि ड्राइवर से जब पूछने की कोशिश की गई तो वो अपनी बस की नाकामी छुपाने के लिए कहते हैं कि हमें नहीं पता कंडक्टर कौन है। एक ड्राइवर को नहीं पता उसके बस का कंडक्टर कौन है? आप लोग समझ सकते कि एक ड्राइवर कह रहा है मुझे नहीं पता बस का कंडक्टर कौन है? नो मैम, ये तो ही नहीं सकता। ये देखिए आपके सामने सबूत है किस तरीके से नाइंसाफी इन बच्चियों के साथ की जा रही है। स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ने वाली ये स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ नाइंसाफी की जा रही है, और प्राइवेट बस वाले जो है इसी तरीके से नाइंसाफी इन लड़कियों के साथ करते हैं। खैर, आपके साथ प्राइवेट बस के अंदर किस तरीके से बदसलूकी की जाती है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए, और आगे जा करके हिसार डिपो के रोडवेज के जो जो भी इंचार्ज है जीएम से बात करने की कोशिश करते हैं, राहुल मित्तल से बात करने की कोशिश करेंगे कैसे जो ये प्राइवेट बस वाले अपनी मनमानी यहाँ पर चला रहे हैं। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि यहाँ पर लड़कियों को दो दो घंटे तक इंतजार ना करना पड़े। और जो ये देखिए लड़ाई हो गई है, ये देखिए दो लड़कियों के बीच के अंदर लड़ाई हो गई है, और ये देखिए पहले जो आई थी उसको अंदर नहीं चढ़ने दिया गया, और दूसरी कह रही है कि मैं पहले से यहाँ पर खड़ी थी। और ये देखिए रोज़ाना जो है यहाँ पर इसी तरीके से होता है, किस तरीके से बस चालक जो है भर भर के सवारियाँ लेकर के जाते हैं। ये जो है कहीं ना कहीं आपको बता देती हूँ कि सबूत है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सवारियां खाली 50 से 52 बैठ सकती है, लेकिन रोडवेज बस चालक भर भर के सवारियां लेकर के आते हैं। खैर, आपको क्या लगता है बस चालक जो ये गैर जिम्मेदाराना हरकत यहाँ पर कर रहे हैं? और ये देखिए एक व्यक्ति जो है बेहोश हो गया है या फिर बस से गिर गया, जानने की कोशिश करते हैं, शायद जो है ये व्यक्ति बेहोश हो गया है। सीधा लाई तस्वीरों के अंदर, और ये देखिए गर्मी की वजह से, ये देखिए गर्मी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, तापमान इतना ज़्यादा है, जिस वजह से ये व्यक्ति जो है बेहोश हो गया है, और इसको जो है शायद अभी बताया जा रहा है कि दौरा पड़ा है, शायद हो सकता है ऐसा। खैर, इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और अपना भी ख्याल रखिए, क्योंकि गर्मी बेहद ज़्यादा है, और इस गर्मी के अंदर रोडवेज बस के अंदर सफ़र करना जितना मुश्किल है चढ़ पाना, उतना ही मुश्किल है बैठ करके रास्ता तय करना। खैर, जितना हो सके गर्मी से बचिए, जितना हो सके प्राइवेट बस चालकों की मनमानी से बचिए, और अपने घर के अंदर सुरक्षित रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।